हम लोगों को मारने का काम किया जाए थोड़ी देर में हो सकता है कि हमारी मौत हो जाए यहाँ पर। मध्य प्रदेश में इस बार मतदान के समय जमकर बवाल और हंगामा देखने को मिला। चुनाव के दौरान करीब 2 दर्जन सीटों पर पार्टी के प्रत्याशियों और उनके समर्थकों द्वारा गुंडागर्दी करने की खबरें सामने आई। जहाँ छतरपुर के राजनगर का मामला भी शांत ही नहीं हुआ था कि अब सागर जिले की रहली विधानसभा में जबरदस्त बवाल देखने को मिला। इस घटना में 2 प्रमुख नाम बताए जा रहे हैं। पहला नाम बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री गोपाल भार्गव का, दूसरा नाम कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल का। क्या हुआ दोनों प्रत्याशियों के बीच, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में विस्तार से। नमस्कार, मैं रिधि, आप देख रहे हैं प्रदेश। जानकारी के मुताबिक यह विवाद गड़ाकोटा के गुंजौरा चौराहे पर हुआ। यहां कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल अपने परिचित के घर पहुंची थी। इस बात की भनक बीजेपी प्रत्याशी व पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के समर्थकों को लग गई। थोड़ी देर में मंत्री भार्गव के समर्थक हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। गनीमत रही कि कांग्रेस की प्रत्याशी ज्योति पटेल घर के भीतर छिप गई और उन्हें कुछ नहीं हुआ। विवाद के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल फेसबुक पर लाइव आई थी। उन्होंने अपने इस वीडियो में गोली चलने, वाहनों में तोड़फोड़ करने और लोगों के साथ मारपीट करने के आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी हत्या हो सकती है, इसके लिए मंत्री गोपाल भार्गव जिम्मेदार होंगे। मैं पूरे क्षेत्र के लोगों से कहना चाहती हूँ, मैंने आप सबकी लड़ाई लड़ी है और अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है। यहाँ पर आप देखिए, पूरे लोग, पूरी हम लोगों की गाड़ियाँ फोड़ डाली, पूरी हम लोगों की, लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस वाले भी खड़े हैं, पुलिस वाले ना तो सुन रहे हैं, ना कलेक्टर सुन रहे हैं, ना एसपी सुन रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को मारने का काम किया जाए थोड़ी देर में हो सकता है कि हमारी मौत हो जाए यहाँ पर। मैं कहना चाहती हूँ साथियों, यदि इस तरीके से रहा तो पूरे क्षेत्र को, विधानसभा क्षेत्र के लोगों को चुन चुन के मारा जाएगा। हालांकि गोपाल भार्गव ने अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा लगाए आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा, आज मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि गड़ाकोटा में 2 पक्षों में किसी पुराने विषय पर विवाद हुआ है, जिसे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा राजनीतिक और सामाजिक स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। भार्गव ने कहा कि चुनाव तो 2 हफ्ते में संपन्न हो जाएंगे, लेकिन क्षेत्र के सभी लोगों को जीवन भर एक दूसरे के साथ यही रहना है, इसलिए किसी भी भड़काने वाली कार्रवाई का हिस्सा ना बने। विवाद के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। मौके पर कलेक्टर और एसपी भी पहुंचे। एहतियात के तौर पर वहां 100 से अधिक पुलिस के बल को तैनात किया गया है और आवाजाही को रोक दिया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए प्रदेश तक .com पर विजिट करें।